इसको नीचे छोड़ना बहुत मुश्किल है। ऐसे रात में तो बस होती है। ओए मेरा बच्चा, तीनों को कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, उसको इतनी खुजली हो रही है, विटामिन की बहुत ज्यादा कमियां आ गया। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, घर में सभी बीमार हो रहे हैं। इसका सर लगाए इस पे, सर ये पे जा, गोलगप्पे वहाँ हम आईफोन 18 दो तू बाबा भाई। रंदी छोरा एंडी एंडी काम करूंगा, बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूं आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज चुके हैं 10 और मैं आज थोड़ा लेट उठी हूं। चीकू को सुबह स्कूल गोलू ने भेजा है, मैंने गोलू को बोल दिया था, मैंने कहा गोलू तू भेज दे, क्योंकि मेरी ना नींद एक बार खुल जाती थी दोबारा वापस मैं सो नहीं पाती हूं। गोलू सो गई है। तो कल की न्यूज आपको मिल गई थी कि मुझे हो चुका है जॉन्डिस, तो अभी भी फटाफट नहा लेती हूं, सबसे पहले जाती हूं डॉक्टर के पास और चेक करा कराती हूं। गुड मॉर्निंग कर दो सबको। तो भाई अयान यहां पे उठ चुका है और अयान खाने की तैयारी में है। अभी अभी इसने अपने दांत वाली गोली खाई है, उसे किलकिलिया जो भी बोलते हैं वो खाई है। हाँ क्या खाई है, क्या खाई है अनु? आप सबको गुड मॉर्निंग कर दो। तो भाई यहाँ पे आ चुके हैं एक और मेरी छोटी चिपकली। छोटी चिपकली ये है तुबालानी। तुबालानी कहाँ कर ले हो? वहाँ पे देखो, सबको गुड मॉर्निंग कर दो। मम्मा को पीटा ही करती रहती है सारा दिन। नहीं कर लो, चलो जल्दी से शाफ शाफ बुद्धि बन जाओ, क्योंकि फिर आपको मैं लेके जाऊंगी हॉस्पिटल, आपको लगवाना इंजेक्शन। तो वह ना जब मैं उड़ जाती है, गोल उड़ जाती है ना, फिर ये किसी के पास नहीं जाती, वैसे सारा टाइम सबके पास रहती है। अब ये उठी है ना, शांति लेने की कोशिश कर रही है। देखो तुम आ जाओ, नहीं जाना, गिर मत जाइयो। तू क्या हो गया तुबा? तुम आ जाओ, नहीं जाना, नहीं ले, अच्छा सो जा, ले जा। गिर जाती है अभी पगली लड़की। तू बस सोके दिखाना, नीचे सोके दिखाए। तुबा सो के दिखाना, तुबा कैसे सोते हैं? तुबा तुबा क्या उठा रहे हो आप? तुबा गंदी बात, देख 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 कितनी गंदी लड़की है, देख 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 रही है, इसको नीचे छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो भाई देख सकते हो आप, फेस पे कोई क्रीम कोई कुछ नहीं है और फेस कितना ग्लो कर रहा है। ए? शो गई, ऐसे सोते हैं? तुबा सो के दिखाना, सो के दिखाओ मम्मा को, तकिए पे सो के दिखाओ मम्मा को। कैसे रात में तुबा सोती है? ओए मेरा बच्चा, ए मेरा बेटा, ऐसे सोता है तू? तो भाई अभी अभी मैं यहाँ पे ड्राइंग रूम में बैठी थी और मैंने देखा कि वहाँ पे ना बच्चों वाले कमरे में कुछ हिल रहा है, तो ये लड़का हिल रहा था। ये लड़का जाग गया तो पर रो नहीं रहा था, हिल रहा था, जहाँ पे लेटा हुआ था वहीं हिल रहा था। तो मैं पहुंच गई, जैसे मैं पहुंची इसने रोने वाली शक्ल बना ली। अभी भी नहीं आया आपको? अच्छा उम्मा कर दो मम्मा को, पम्मा कर दो अम्मा। तो भाई आयानु सबसे पहले नहाई करता है और आज से सैंडो पहनी है, मतलब ब्रदर जो है सैंडो वाला आ गया है और ये ना बिल्कुल भी टिकता नहीं है गोदी में, नीचे भागने की कोशिश करता है, नीचे छोड़ दो से, और नीचे छोड़ के पूरे फर्श पे घूमेगा, जबकि अभी नहा के आया है। तो गाइस तीनों निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि तीनों को कोई ना कोई दिक्कत हो रही है। आनु को यहाँ पे देखो, दिख रहा है, एक तो यहाँ पे एलर्जी हो रही है दोबारा, उसको इतनी खुजली हो रही है, एक पीछे की तरफ एलर्जी हो रही है, पायल उसको जॉन्डिस आया है और साथ में आयरन कैल्शियम की दिक्कत है। मेरे को आयरन की कमी आई है, कैल्शियम की कमी आई है, और एक नई खारिश नहीं करते बेटे, एक चीज और आई थी किडनी में, क्या यूरिया करके कुछ आया था किडनी में, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। सारी चीजों की डॉक्टर को दिखाते हैं और दवाई लेते हैं। तो गाइस मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मगर हाथ लगाते हैं उसको याद आ जाता है, ये इतनी तेज खुजली कर रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्लड आने लग गया। किसी फूड एलर्जी तो नहीं है? मैं स्किन डॉक्टर को भी दिखा के लाई दवाई, मैं भी तो गई थी डॉक्टर मोहित के पास। अदा किसको अदा कर रहे हो आप? अजा माऊ माऊ अजा अच्छा ऐसे भी कर रहे हैं। अभी ये 1 ईयर का होने वाला, आपको फिर सर बर्थडे पे आना है 26 तारीख को। तो लास्ट टाइम सर और मैम आए थे, बहुत अच्छा लगा था, केक कटिंग के टाइम पे आए थे और बहुत प्यारा गिफ्ट था, अच्छा लगा, मैंने स्पेशली थैंक्स बोला था। तो अभी सर को दोबारा आने, दोनों बच्चों का फिर बर्थडे है। ग्रेट, वेरी नाइस। तो आज इसकी वैक्सीनेशन है, उसके बाद नेक्स्ट वैक्सीनेशन को हमें आना है मई में। तो यहाँ पे आने की मेजरमेंट हो रही है, अभी इसका हेड का सरकमफेरेंस ही बोला ना, देखा था अभी इसकी हाइट देख रहे हैं। हाइट तो दिखानी पड़ेगी, हाइट तो दिखानी पड़ती है आपको डॉक्टर को। जो सबसे ज्यादा रोते वाले बच्चे हैं ना, हम उनको शाम को लेके आएंगे। जैदू और तूबा दोनों बच्चे बहुत रोते हैं। गाइस अनु झा बोल रहा था अभी, बता अनु झा बोल रहा है, प्लीज झा। भाई हम अनु को भी इंजेक्शन लगवा के ले आए हैं, अब तूबा और जैद रह गए, उनको लेके जाएंगे शाम को। और मेरे को डॉक्टर नपुर ने ना किसी और का नंबर दिया, कोई और डॉक्टर जॉन्डिस के लिए मुझे इनके पास जाना पड़ेगा, वो गाय नहीं है ना मैम, शाम को 5 से 7 बैठेंगे। तो एक काम करेंगे, शाम को 13 भिजवा देंगे,
और बच्चों का भी ले चलेंगे हैं। तो गाइस मैं हो गया हूँ नहा धो के रेडी और यहाँ पे भाई विटामिन की बहुत ज्यादा कमियाँ आ गया हमारे अंदर, तो यहाँ पे विटामिन डी गोलियां वोलियां इकट्ठी की जा रही है कि कौन सी कब लेने हैं भाई। सारी रिपोर्ट भी हमारा इतना अच्छा रूटीन था, हम रोज अपने विटामिन और कैल्शियम सब ले रहे थे, एक डेढ़ दो महीने से बिल्कुल बंद कर दिया, तो देखो रिपोर्ट में आ गया, सबको कमी है कुछ ना कुछ। तो भाई लॉन्ग टाइम ना जब भी आपको लगे 2 से 3 महीने में एक बार ना फुल बॉडी चेकअप कराया करो, कई बार क्या होता है ना कुछ चीजें ना छोटी सी होती है उनको हम बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं, बाद में ना वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो बाद में वो ठीक नहीं होती, तो आप एक बार 2 से 3 महीने में चेकअप जरूर करवाया करो। तो गाइस अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है आयान और तुबा के बर्थडे पे, करना तो कुछ स्पेशल ही है पर कभी कुछ प्लान हो रहा है कभी कुछ प्लान हो रहा है, तो आज बैठ के ना हम अच्छे से प्लान करते हैं कि एक्चुअल में बच्चों के बर्थडे पे करना क्या है। और बालों का जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है मेरा, देखो बाल बहुत ज्यादा सिल्की हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं और यहाँ पे बाल जो है न्यू हेयर ग्रोथ भी आ रही है, तो बहुत ही जल्दी ये जो प्रोडक्ट है हम लॉन्च करने वाले हैं सबके घर में डोर स्टेप पे पहुंचेगा, तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं स्लिमिंग का और हेयर का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आते ही चीकू का लंच बॉक्स खोला है, तो उसके लंच बॉक्स में से उसके बिस्किट गिर गए, तो सफाई जो है दोबारा करनी पड़ेगी और बच्चे जो है एंजॉय कर रहे हैं अंदर। तो फाइनली तुबा और अयान का बर्थडे हो रहा है, बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन, तो उसकी तैयारी आज से शुरू करेंगे, तभी तो जो है सारी तैयारी होंगी। आज जो है 18 अप्रैल, तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 मतलब 5-6 दिन बचे हैं, तो 5-6 दिन में सारी तैयारी करनी है, तो मैं और गोलू जा रहे हैं बाहर मार्केट। तो आज अयानू को वैक्सीनेशन लगी है, आनू को वैक्सीनेशन लगी है, आज तुबा बहन का और जैद भाई का भी टाइम आ गया, शाम को उनको भी लगवा के आएंगे, फिर आप बिग बॉय हो जाओगे, 1 ईयर के हो जाओगे, नीचे उतरना है नीचे उतर खेलो। तो यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए सूजी वाली खीर, क्योंकि अभी जो ये इनका है 3rd मील, तो इसमें ये ना बच्चे खुश होकर खा लेते हैं, इसको हल्का ब्राउन हो जाएगा और उसके फिर मैं इसके अंदर डालूंगी दूध और देसी खंड। तो गाइस अभी मैंने बात करी, पता नहीं मेरे ना पायल इस वाले हाथ में क्यों हो गया, मैं कैमरा या बच्चे भी नहीं पकड़ पा रही, ये ना मेरे हाथ की नस फूल गई है, पता नहीं कैसे हो गया, मैं इस हाथ का कैमरा पकड़ ही नहीं पा रही हूँ। तो बस अभी मैंने हॉस्पिटल में कॉल करा, डॉक्टर बैठेंगे 6 से 7, जैद और तुबा दोनों की वैक्सीनेशन रह गई है, यान को तो लगवा दी, जरा जॉन्डिस का भी दिखाना है डॉक्टर को। हाँ पता है, तो ले लू फाइल जिसमें लिख के दिया डॉक्टर ने, हाँ मैम ने लिख के दिया ना, पर पर्चा ले लेती हूँ। पायल कितने दिन से ढक्कन नहीं मिल रहा हमारा, जब से हम दिल्ली से आए ना हमने कैमरे का ढक्कन ढूंढ रहे हैं, और कैमरे का ढक्कन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों की नजर पर, ये रख, तो हम कभी भी ना कोई चीज भूलते नहीं है, बस रख के भूल जाते हैं, ये कपड़ा रख लेते हैं। मुझे पता है क्या लग रहा है, हम लोग आए थे दिल्ली से, पहले दिल्ली से आते ही यहाँ पर आ गए थे यार, कैमरे का ढक्कन ही आ रहा है होगा। तो भाई आजकल ना घर में सभी बीमार हो रहे हैं, छोटी छोटी चीजें, अब गोलू के हाथ में दर्द है पता नहीं क्यों है, मैं तो ऐसा कुछ काम भी नहीं करवाता, झाड़ू पोछा कुछ, कैमरा पकड़ने से तो नहीं होगा, नहीं मैं पाइप लगी। तो गाइस यहाँ पे ना मैंने निकाला है बच्चों के लिए एक नया टॉय, जो कि लाया था हमारा निशु, और ये इसको हमारे यहाँ लकड़ी का होता था पहले, अब तो ये प्लास्टिक का बन गया, इसको कहते हैं रेडू, रेडू बना देते हैं और इसमें लटका देते। चलो चलो अपनी गाड़ी लेके पापा के पास जाओ, चलो चलो पापा के पास चलते हैं घर में, चलो आजो। पानी और पानी की बोतल क्यों है दादी, बच्चा अगर इस पे खेल रहा है तो अपने पानी की बोतल निकालेगा, वो निकालेंगे और वो पिएगा और वापस नन्ना टाइट करेगा, अच्छा अगर कुछ करने लग गया तो फिर वो बच्चा थोड़ी कहलाएगा, वो बड़ा कहलाएगा, पर अच्छी है रेलगाड़ी सी ना, रेडू रेडू बोलते हैं इसको, रेडू। और देखिए इसने निकाल ली, कोई बात नहीं, खाने की चीज नहीं होती, चुप गंदा बच्चा, सब चीज मुँह में ये लग जाएगी, देखो रेडू जो रेडू चलाओ बस। तो भाई इन दोनों को अंदर कमरे में छोड़ा था हमने, अंदर कमरे में देखा गेट खुला हुआ है, तो भाई यहाँ पे खीर खा रही है और ये आ गए भागे भागे अपनी बहन के पास, इसका सर लगाया इस पे सरिये पे, निकी सरिये पे सिर लग रहे, काम मुंह निकाल रहे, वो देख कहाँ निकाल। तो भाई अभी हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए और रास्ते में हम शॉप पे भी होते हुए चलेंगे, क्योंकि तुबा कलेक्शन बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाला, बहुत ही बड़े अंदाज में। क्या कर रही है बच्चे, पार्क में खेल रहे हैं सारे, अब इनको अच्छा लगता है पार्क में ना, और हमें ना बहुत अच्छा लगता है, हम सोसाइटी में रहते हैं ना, एकदम सेफ है, क्योंकि यार बच्चों को ना नीचे लेके आना बड़ा मुश्किल होता है, मान लीजिए बच्चे को थोड़ा घास वास ये भी नेचर है उसमें ना, नेचर के साथ। तो भाई अभी अभी पहुंचे हमारे भाई सेठ के ढाबे पे, और पीछे कलरफुल इतना ज्यादा कर दिया, तुमने पूरा रोड खरीद लिया भाई, ये तो बता दो, ये तो भाई जी की कृपा है, हमारे शहर की शान है हमारे अरमान मलिक जी। यार देखो भाई है बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी है, इतनी कमाल की चीजें करते रहते ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, और ये मैंने भैया ढाबे की पीठी पूरी तो मेरी नजर पे गई है। एक बात और लिखी है, यहाँ हमारे यहाँ ससुराल जैसी स्वादिष्ट पूड़ियाँ मिलती हैं। अच्छा फिर आज यहाँ पे ससुराल वाली पूड़ियाँ खा लेते हैं, हमारे पास तो ससुराल है नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे मेला नहीं लगता, मेला ऐसा फील हो रहा है। एक चीज और है, देखिए बच्चों के लिए फ्री झूले भी है। तो भाई जहाँ गोलगप्पे वहाँ हम पाल को भी गोलगप्पे खिलाया जा रहा है भाई, गोलगप्पे के साथ एक बल्ला भी खाऊंगा, बल्ला खाया थोड़ा सामने, और दही बल्ले में नजर दीवाली की बहुत देर से नहीं, तो पूरी रेडी पे नजर है, मैं सब कुछ खा सकती हूँ, मेरे को इतनी भूख लग रही है आज, मेरे को खट्टा मीठा फर्स्ट ही, सेकंड खट्टा मीठा, फोर्थ ही खट्टा मीठा।
सूरज भैया मुझे ऐसा लग रहा है शादी में नहीं होते जब कुछ गेस्ट खा रहा होता है वो कैमरा तनक से मुख के पास आता है। सूरज भैया मुझे वो लग रहा है सब नोटिस करते हो। कौन सा ये? तो गाइस हम सब ने ना सब कुछ चेक करा। मैंने 4 गोलगप्पे खाए, पाल ने 2 गोलगप्पे खाए, 1 चम्मच मैंने भल्ला पापड़ी खाया। अब हम दोनों एक एक ना मोमोज ट्राई कर रहे हैं। एक मोमो ये खाएगी, एक मोमो मैं खाऊंगी। और गाइस ये चिकन नहीं है, ये सोया चाप है, प्योर वेज है। यहाँ पे पहले हमें भी लगा चिकन है तो मैंने कहा यार मैं तो नहीं खाती। भैया ने बताया सोया चाप है, मलाई चाप। हमारी ना भैया पिट्ठी पूरी बन रही है, हम पूरी खाएंगे। भैया मेरे लिए शिकंजी भी लाओगे? बंटा सोडा ठीक है। शिकंजी पीऊँ या लेमन सोडा पीऊँ? क्या पीऊँ जो अच्छा लगे वहाँ पे? आप बताओ ना, मुझे पता नहीं। शिकंजी अच्छी, लेमन लेमन सोडा थोड़ा सा पी लूंगी। तो गाइस जैसा नाम वैसा टेस्ट। और इस सब्जी में ना लहसुन है ना प्याज है, और राधा रानी के नाम पे पूरी बेलते हैं और बनाते। इतना टेस्टी स्वाद है, मजा आ गया। और हमारी पूरी ये है सेठी ढाबा और जीरकपुर पर है, मतलब कि जहाँ पे हम बच्चों के हॉस्पिटल जाते हैं ना, एडवामेट उसके बिल्कुल साथ में है। बहुत टेस्टी लगा पिट्ठी पूरी। आज ही मेरे ठाकुर जी आए हैं, आज ही आए, कोई गिफ्ट देके गया मुझे, यहाँ पे पूड़ियाँ खाने आते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो लड्डू भी रूप में आ जाते हैं। हाँ जी बहुत अच्छा। राधे राधे सबको, आप सबको मेरी तरफ से। भाई हमें तुबा के लिए iPhone 18, आज के लिए iPhone 22 लाई थी। का है वो iPhone 22? तो ये रहा बस अभी सेल डालना बाकी है। iPhone 18 दो तुबा का भाई। iPhone 18 का आपका कह रहा झूठी माँ, कब लेके आई? देख 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 देख, चीकू चोट लग जाएगी। क्या हो गया? गुलाटी मार रहा था। पायल कह रहा है इसकी जो बहू आएगी ना वो गुलाटी मारेगी। हम सोच हम गाना क्या होगा? बहू चाहिए मुझे, गुलाटी वाली बहू चाहिए इसको। नाम के पीछे गुलाटी होना चाहिए या बंदर की तरह गुलाटी मारने वाली होनी चाहिए? तो भाई आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राम राम।